नमस्कार दोस्तों, सलाम दोस्तों, मैं हूं आरआरजे, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टारगेट के ऊपर। सही सुना दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं टारगेट के ऊपर, लेकिन टारगेट के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं, तो उसका ये पार्ट वन है। तो मेरे इस वीडियो को आप शुरुआत से आखिर तक देखिए तो आपको आइडिया आ जाएगी कि पहली स्टेप होती क्या है टारगेट को अचीव करने के लिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल, मुझे उसका आप दीजिए जवाब। जवाब अपने मन में ही रखिए, लेकिन आप सोच लीजिए कि मेरा ये लॉजिक कहां से कहां लगने वाला है। तो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं सवाल, वो सवाल ये है कि आपको मीठा पसंद है कि नमकीन पसंद है, आपको मीठा पसंद है या फिर नमकीन पसंद है। मान लीजिए आप मेरे घर को आते हैं बार बार और मैं आपको हर बार खिलाता हूँ मीठा मीठा मीठा, लेकिन आपको पसंद है नमकीन। मैंने आपकी चॉइस पूछी ही नहीं, आपके बारे में मैंने कुछ आइडिया निकाली ही नहीं, बस आपको दे जा रहा हूँ मीठे में मीठा, तो क्या आप मेरे घर बार बार आएंगे? क्या आप मुझसे बार बार मिलने की कोशिश करेंगे? अगर आप आएंगे तो अवॉइड करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या लेंगे, मीठा लाऊं क्या, तो आप कहेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं रहने दो रहने दो। आप ऐसा ही बिहेव करेंगे मेरे साथ, आप तो ना बोलेंगे या फिर आप आना अवॉइड कर देंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछने का मकसद मैं इस लॉजिक को लगाने जा रहा हूं आपके डॉक्टर लिस्ट के साथ। जब आप डॉक्टर लिस्ट बनाते हैं तो आपको डॉक्टर लिस्ट बनाने के बाद आप कहां कहां पे गलतियां करते हैं, जो चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो। मैं ये वीडियो आज बना रहा हूं दोनों के लिए, फ्रेशर के लिए भी और एक्सपीरियंस के लिए भी, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं फार्मा कंपनी के लिए वो भी मेरा ये वीडियो देखिए, उनको भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको आइडिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को आप शुरुआत से आखिर तक देखिए। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आज एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो काम स्टार्ट होता है, फार्मा कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, फार्मा कंपनी ज्वाइन करने के बाद फार्मा कंपनी बोलती है कि डॉक्टर लिस्ट को बनाओ। डॉक्टर लिस्ट आप राइट डॉक्टर लिस्ट अपनी लिस्ट में ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं यहां बात कर रहा हूं प्रोडक्ट वाइज, राइट डॉक्टर फॉर राइट प्रोडक्ट। अगर ऐसा ना हो जाए कि डॉक्टर आप ऐड किए जा रहे हैं, बस पहले स्टेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डॉक्टर लिस्ट। आपकी डॉक्टर लिस्ट इंपॉर्टेंट है और आपकी डॉक्टर लिस्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एज पर प्रॉपर सर्वे। तो इसीलिए सर्वे मैं यहां बात करने जा रहा हूं, डॉक्टर सर्वे मैं यहां बात करने जा रहा हूं, डॉक्टर सर्वे विद प्रोडक्ट। देखिए आपके पास मान लीजिए 25-30 ब्रांड है, आपके पास 25-30 ब्रांड है, तो उसमें से आप उनका डॉक्टरों का सर्वे कीजिए कि डॉक्टर ये ब्रांड लिखते हैं क्या, ब्रांड इन द सेंस ये मॉलिक्यूल यूज करते हैं क्या, तो मेडिकल शॉप से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये ब्रांड हमारा पहले लिखते थे क्या, मेडिकल सर आपको बता सकते हैं कि हाँ पहले लिखते थे, अब बंद हो गया है क्योंकि बीच में कोई आके उनको मिला नहीं, इसीलिए उन्होंने प्रोडक्ट बंद कर दिया है, फिर से मिलना स्टार्ट कर दो, वो लिखना चालू कर देंगे, या फिर नहीं ये ब्रांड ये यूज करते नहीं है, इन द सेंस कि ये कंटेंट ये यूज करते नहीं है, उनको ये कंटेंट मत बताओ। ठीक है दोस्तों, तो उस हिसाब से आप ऐड कीजिए। ऐसा ना हो कल को डॉक्टर प्रिफर करते हैं एजिथ्रोमाइसिन और आप उनको बताए जा रहे हैं सिफिक्सिम, एंड में रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। डॉक्टर प्रिफर करते हैं एजिथ्रोमाइसिन, आप उनको बता रहे हैं सिफिक्सिम, डॉक्टर आपका ब्रांड कैसे लिखेंगे? तो ये बात हुई ना, आप डॉक्टर को पसंद है मीठा और आप खिलाए जा रहे हैं उनको नमकीन, आप उनको खिलाए जा रहे हैं नमकीन, तो बाद में क्या होगा, डॉक्टर खुद ही आपको अवॉइड करना चालू कर देंगे। अगर आप उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, अगर वो डॉक्टर अगर डॉक्टर प्रिफेयर नहीं करते हैं तो आप उनको बताए जा रहे हैं। ये बहुत एक्सपीरियंस लोग भी गलतियां कर देते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन भी गलतियां कर देते हैं। अब उनमें से कुछ लोग उससे पूछेंगे क्या, मैं बताने जा रहा हूं आपको कि अगर हमको मेडिकल से सर्वे नहीं मिलेगा तो हम फिर क्या करेंगे, हमारे पास जितने ब्रांड है उनको बताएंगे ना फिर, तो क्या करेंगे? दोस्तों सही बोल रहे हैं, लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं ना, डॉक्टर से डायरेक्टली बात कर लीजिए। अगर आपको मेडिकल से सर्वे नहीं मिल रहा है प्रॉपर, देन यू कैन आस्क टू डॉक्टर कि सर मैंने आपको इतने सारे ब्रांड बताए हैं, मुझे प्लीज बताएं कि सर आप इसमें से कौन सा प्रिफर करते हैं, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉपर आइडिया फ्रॉम आउटसाइड, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू सर, सो प्लीज हेल्प मी, प्लीज टेल मी व्हिच मॉलिक्यूल यू प्रिफर, मुझे बता दीजिए सर, देन हेंसफोर्थ आई विल टेल यू दिस ब्रांड टू यू। तो डॉक्टर आपको खुद ही बोल देंगे कि मैं ये ब्रांड प्रिफेयर करता हूं। टारगेट को अचीव करने के लिए पहला स्टेप है डॉक्टर लिस्ट प्रॉपर होनी चाहिए। अगर डॉक्टर लिस्ट प्रॉपर है ही नहीं आपकी, तो टारगेट कैसे अचीव करेंगे आप, टारगेट अचीव ही कैसे करेंगे, आपका टारगेट होगा ही नहीं। डॉक्टर लिस्ट शुड बी प्रॉपर, तो इसको ध्यान में रखें। आप जब कभी भी कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे या फिर ज्वाइन कर चुके हैं, आप डॉक्टर लिस्ट चेक कर लीजिए, अपने एरिया में ऐसा डिस्कस कर लीजिए और डॉक्टर लिस्ट को एकदम करेक्ट और परफेक्ट बना लीजिए। तो डॉक्टर लिस्ट पहले आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए दोस्तों, ये याद रखें, ये है टारगेट का मेरा पार्ट वन।
डॉक्टर लिस्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग। मैंने बता दिया है कि आपको डॉक्टर लिस्ट कैसे बनानी है, उस हिसाब से आप बना लीजिए। तो इसको रखिए ध्यान, ना होइए परेशान। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, बट डोंट फॉरगेट क्या, डॉक्टर लिस्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग, डॉक्टर लिस्ट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए।